टेंट यहीं पे रुके थे, अब निकलना है पेंगोंग की तरफ। एक्चुअली यहाँ पे 3 दिन रुक गए। बाय बाय टाटा। आशी निकल रहे हैं भैया, आ रहे हैं एकदम। हाँ ये है गेस्ट हाउस का नाम और नीचे तीनों फ़ोन नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर लेना, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली कल अंकल बोले थे कि डिस्क्रिट में जो दोनों पेट्रोल पम्प है, एक खालसा में एक डिस्क्रिट में, दोनों में पेट्रोल खत्म हो चुका था। आपको इधर हुंडर में एक पेट्रोल पम्प मिलेगा, वहाँ पे आधा टाइम पेट्रोल नहीं रहता है। डिस्क्रिट में एक पेट्रोल पम्प है जहाँ पे पेट्रोल रहता है। इतना ज़्यादा भीड़ था, धक्का मुक्की करने के बाद फिर फुल टैंक करा लिया, क्योंकि पेंगोंग के उधर कोई पेट्रोल पम्प नहीं है। ब्लैक में मिलता है उधर पेट्रोल, लेकिन ब्लैक का पेट्रोल मैं भराना नहीं चाहता। और फिर एक खालसार में भी है, लेकिन उसमें भी शायद पेट्रोल मिले या ना मिले, क्योंकि कल ख़त्म हो गया था अंकल बोल रहे थे, इसलिए यहीं पे फुल करा लिए। टाइम हो चुका है 9:06 और यहाँ से पेंगोंग का डिस्टेंस है 155 किलोमीटर, खालसार का डिस्टेंस है डिस्क्रिट से 25 किलोमीटर, और वहाँ से फिर 130 किलोमीटर पेंगोंग लेक। यहाँ से लेफ्ट चले जाओगे तो सियाचिन बेस कैंप की तरफ चले जाओगे, मैं राइट ले लेता हूँ। खालसार यहाँ से अभी भी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के बाद एक मोड़ आएगा, वहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना होगा। राइट चले जाएंगे तो ले पड़ेगा लेफ़्ट पेंगोंग की तरफ, श्योक वैली होके पेंगोंग की तरफ चले जाएंगे। खालसार से जब आप ले या पेंगोंग की तरफ आओगे तो ये वाला मोड़ देख लो, यहाँ से राइट चले जाओगे तो ले, और सीधा आप पेंगोंग की तरफ चले जाओगे। खालसार के बाद जो सबसे पहला गांव आएगा उसका नाम है अगम। मैं नुब्रा वैली में डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन रुका था टोटल। पहला दिन खारदुंगला क्रॉस करते हुए ले से डिस्ट्रिक्ट आया था, फिर जैसे जैसे करके एक होटल के अंदर एक टेंट मिला। अंकल के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कल मैं अंकल को पैसा देने जा रहा था 200 रुपया, वैसे ही वो बोला था कि मेरा एक टेंट है लगा देता हूँ, 200 रुपया पर डे देना, जितना दिन रहना हो रह जाऊँ। कल पैसा देने गया, बोला आधा पैसा देना, आज पैसा देने गया पैसा ही नहीं लिया, सिर्फ खाने का पैसा लिया। पैसा नहीं लिया इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अंकल बहुत अच्छे हैं, सच में उनका बिहेवियर, उनका जो अपनापन है दूसरों के प्रति वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली अंकल आर्मी में काम करते हैं, अभी भी करते हैं, इसीलिए मैंने उनका कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लिया। मैं होटल का, उनका जो गेस्ट हाउस है उसका फ़ोन नंबर और होटल का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। और अगर सीजन में आ रहे हो या फिर ऑफ सीजन में भी आ रहे हो तो एक बार फ़ोन करके आना, क्योंकि पहले से ही बुकिंग रहता है। मैं 3 दिन टेंट पे रहा, रेगुलर कस्टमर सब आ रहा था जा रहा था, तो सीजन हो मैंने आप मई के एंड से लेके सेप्टेम्बर तक जब भी आओ फ़ोन करके आना, पहले से बुक करके, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। नुब्रा वैली के बाद जब आप खालसार होके अगम की तरफ चलोगे, तब उधर से 2 रास्ता है आपको पेंगोंग जाने का। पहला आप सीधा श्योक वैली होके जा सकते हो, दूसरा वड़ीला पास होके फिर चांगला पास होके जा सकते हो। चांगला पास वाला रास्ता में कम से कम 90 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा पड़ेगा आपका, लेकिन उसमें आपका 2 पास आएगा और इसमें कोई पासेस नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर करना है, तो वड़ीला चांगला होकर जा सकते हो। मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया मैं किधर से जाऊँगा। और यहाँ से लेफ़्ट चले जाओगे तो पेंगोंग लेक, और राइट चले जाओगे तो वड़ीला चांगला होके, वड़ीला होके ले भी जा सकते हो, फिर चांगला से आप लेफ़्ट लेके पेंगोंग भी जा सकते हो। वड़ीला होके चांगला होके अगर आप पेंगोंग जाते हो तो आपका पड़ता है दुर्बुक तक 85 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा पड़ेगा। और इधर भी कोई पेट्रोल पम्प भी नहीं है और मैंने पेट्रोल भी कैरी नहीं किया है, और वैसे वो दोनों को इस बार छोड़ दिया, नेक्स्ट बार जब आऊँगा तब वड़ीला और चांगला कवर करूँगा। वेदर का हालत देखो यार, पूरा
थंडरस्टॉर्म चालू हो चुका है और आगे बर्फ वाला पहाड़, और वैसे भी इस वक्त थोड़ा बारिश हो जाए ना तो पूरा एडवेंचर हो जाएगा। मजाक कर रहा था यार, बारिश हो जाएगा तो पूरा दिक्कत में पड़ जाऊंगा। वैसे भी कुछ कहीं पे भी रेन कवर नहीं लगा हुआ है, और ये देखो बाप रे बाप, आज तो पूरा एडवेंचर लेवल एकदम टॉप पे चला गया है। मुझे पता नहीं था कि सेवक रोड से जाने से भी ऐसा ही पूरा ऑफ रोड मिलेगा, और ये पूरा ख़तरनाक वाला ऑफ रोड है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा ही लग रहा है, बीच से निकलने का कोशिश करते हैं। निकल गए यार, निकल गए। पूरा एकदम चक्का ऐसे ऐसे हिल रहा था, ऐसे ऐसे, ऐसे पानी ज़्यादा था और पत्थर जैसे एकदम पूरा तैर रहा था, तो ऐसे पूरा चक्का टाइट हो गया था एकदम। हैंडल थोड़ा लूज करके इसलिए इसको निकाल दिए। मेरे राइट साइड में ऊपर की तरफ देख सकते हो, उस पहाड़ी के ऊपर बारिश हो रहा है। इस पहाड़ को मतलब सामने वाला जो हिल है इसको क्रॉस कर जाएंगे तो शायद आगे मुझे बारिश नहीं मिलने वाला। फटाफट इसको क्रॉस करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि फिर से अगर उतर के रेन कवर पहनाएंगे सारा बैग में खुद पहनेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे ही 12:26 हो चुका है। सोचे थे आज 2-3 बजे के अंदर पहुँच जाएंगे पेंगोंग, तो आज कवर कर लेंगे और कल सुबह सुबह हालने के लिए निकल जाएंगे। हर एक दिन एक नया चैलेंज लेके निकलते हैं, एक नया चैलेंजिंग जगह को एक्सप्लोर करते हुए। अभी पूरा सेवक रिवर को लेफ्ट साइड में रख के और राइट साइड से निकल रहे हैं। बारिश स्टार्ट हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, आगे क्या ज़्यादा हो रहा है कि नहीं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। हालत देखो मेरे सामने का और लेफ्ट साइड का हिल्स देखो, पूरा एकदम बारिश हो रहा है आगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा भीग चुका हूं, और राइट साइड में देखो अभी भी उजाला है, और मैं इसी के साथ पहुँच चुका हूँ सेवक। और लेफ्ट साइड में जो रिवर देख रहे हो वही है सेवक रिवर, और यहाँ से दुर्बुक होते हुए लुकुंग पहुँचूंगा, फिर वहाँ से पेंगोंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएंगे। थोड़ा देर पहले मैं पहुँच चुका था सेवक, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था इसलिए रुक गए थे। और मेरे पीछे रेस्टोरेंट देख सकते हो आप, ये सेवक रिवर व्यू रेस्टोरेंट। यहाँ पे थोड़ा रुक के चाय लिए, काढ़ा चाय जो लद्दाख का बहुत फेमस चाय है, और एक प्लेट चाउमीन भी लिए थे। खाना हो चुका, अभी निकलते हैं पेंगोंग की तरफ, दुर्बुक होकर फिर पेंगोंग की तरफ ले जाएंगे। टाइम हो चुका है शायद 1.5 घंटे के आसपास लगना चाहिए, ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। 60 किलोमीटर के आसपास रास्ता है यहाँ से, वहीं पर रेस्टोरेंट, और आसमान भी अभी ठीक हो चुका है। अभी निकलते हैं यहाँ से। दुर्बुक पहुँचते ही आपको दो रूट मिल जाएगा, एक सीधा जो आपका चांगला होते हुए काडू होते हुए ले जाएगा, और एक लेफ्ट जो पेंगोंग की तरफ जाएगा। तो मैं लेफ्ट चला जाऊँगा पेंगोंग की तरफ। दुर्बुक में आपको होटल होमस्टे सब कुछ मिल जाएगा। पहुँच चुका हूँ मैं तांगस्ते, और यहाँ पे बहुत सारा कैफ़े है, बहुत अच्छा अच्छा कैफ़े है। यहाँ पे रुक के आप कुछ खा सकते हो। डाइने वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है ये चुसुल होते हुए, परमा चुसुल सातो होरुंग होते हुए ये आपका हानले जाता है, और लेफ्ट साइड में पेंगोंग लुकुंग इधर जाता है। तो फिलहाल मैं ये वाला रूट लूँगा पेंगोंग की तरफ, और पेंगोंग लेक की तरफ जाऊँगा। जब तांग से क्रॉस करोगे तो 10 रुपया करके टिकट लेगा। फास्टी दादा, हाँ अभी जिस भैया के साथ बात हो रहा था वो वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं, बर्धवान में। 2 महीना हो गया वो यहाँ पे आए हैं, शायद BRO के अंडर में काम करते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में ये जो आप रेत देख रहे हो, हुंडर का जो रेत था वो थोड़ा वाइट कलर का था, और मैं अभी लुकुंग पहुँचने ही वाला हूँ, और यहाँ का जो रेत है वो ग्रे कलर का है। द फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक उधर दिख रहा है, और यहाँ से वहाँ जाने में अभी भी 4 किलोमीटर लग जाएगा। ये बाएं तरफ जो रास्ता देख रहे हो, इधर से एक्चुअली पेंगोंग लेक के उस तरफ जा सकते थे, लेकिन अभी जाने नहीं देता है क्योंकि चाइना अपना बॉर्डर क्रॉस करके काफ़ी दूर आ चुका है। ये जो पेंगोंग लेक है इसका एक्चुअली 70% पूरा चाइना में है, और 30% ही हम लोगों के पास है। और लेक का कलर देख सकते हो आप यार, पूरा ब्लू।
सामने थोड़ा ग्रीनरी लग रहा है लेकिन पीछे की तरफ थोड़ा डीप ब्लू लग रहा है। तो मेरा कोई होटल वोटल बुक नहीं है, जाके देखेंगे कहीं पे कैंप साइट होटल कुछ भी मिलेगा या होम स्टे तो उसको ले लेंगे। टाइम हो चुका है 3:36। सामने वाला जो गांव देख रहे हो ये वाला, इसका नाम है स्पागमिक, और दूर वहाँ पे वो जो गांव देख रहा हूँ उसका नाम है मान विलेज। तो देखेंगे कहाँ पे होम स्टे या फिर कॉटेज या फिर टेंट कुछ भी मिल जाए थोड़ा रिजनेबल प्राइस में, तो वहीं पे रुक जाएंगे।